अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो 7 लाख वोल्टेज में चलता है, तो आप शायद ही इसका जवाब दे पाओगे, क्योंकि हमारा घरों में जितने सारे भी उपकरण होते हैं ये सारे 220 वोल्ट या फिर 440 वोल्ट में चलते हैं। शायद फैक्ट्री में ऐसा कोई डिवाइस होगा 7 लाख वोल्टेज में चलने का। जी नहीं, फैक्ट्री में भी ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो कि 7 लाख वोल्टेज में चलेगा। तो फिर क्यों गवर्नमेंट ने इतना बड़ा टावर बना के 700 KV यानी कि 7 लाख वोल्टेज को भेजता है जब इसका कोई जरूरत ही नहीं है? तो क्या गवर्नमेंट बेवकूफ़ है? दोस्तों, आपका मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा, तो प्लीज आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि 7 लाख वोल्टेज भेजने का असली रीजन क्या है। तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर प्लांट में, इसमें 11 KV का बिजली को उत्पन्न किया जाता है। इस 11 KV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 700 KV यानी कि 7 लाख वोल्टेज में कन्वर्ट करके सब स्टेशन तक पावर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। पावर स्टेशन से सब स्टेशन का दूरी काफी ज्यादा होता है, कभी कभी तो इस ट्रांसमिशन लाइन को 1500-2000 किलोमीटर का सफर करना होता है। इसकी वजह से इसका वोल्टेज को काफी हाई किया जाता है। इस वोल्टेज को हाई करने से कई सारे फायदा होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसका फायदा, बाद में इसका नुकसान के बारे में भी जानेंगे कि हाई वोल्टेज में क्या नुकसान होता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फायदा, तो देखो, पावर स्टेशन से सब स्टेशन का डिस्टेंस 1500 से 2000 किलोमीटर होता है। आपने देखा होगा किसी भी पाइप से पानी को लेने से इस पाइप में कुछ पानी लॉस होते हैं, यानी कि इस पाइप में कुछ पानी टक रह जाते हैं। सेम इस इलेक्ट्रिक केबल में भी ऐसा होता है। आप यदि पावर स्टेशन में 1000 वोल्ट उत्पन्न किया तो ये सब स्टेशन तक आते आते 0 वोल्ट हो जाएगा। जैसा पाइप के अंदर में पानी लॉस होता है, इस प्रकार केबल का रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें भी पावर लॉस होता है, इसीलिए इसका वोल्टेज को काफी हाई किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये वोल्टेज यदि काफी हाई होगा तो इसके अंदर में पावर लॉस नहीं होगा। इस वोल्टेज को हाई करने से भी इसका कुछ पावर लॉस होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा पावर लॉस नहीं होता है। दोस्तों, जब हम करंट को घटाते हैं तो इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, और जब वोल्टेज को घटाया जाता है तो करंट बढ़ जाता है। इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में करंट को घटाकर वोल्टेज को काफी हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से केबल का साइज को मोटा करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अगर करंट ज्यादा होगा तो इस केबल का साइज को काफी बड़ा और मोटा भी करना होगा, जिसकी वजह से केबल का प्राइस तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ केबल काफी ज्यादा भारी भी हो जाएगा, जिसके लिए टावर को काफी मजबूत बनाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि हम इस केबल का प्राइस को देखेंगे और इस टावर को यदि काफी मजबूत करेंगे तो ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है, यानी कि काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो दोस्तों, ये थी इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करने का कुछ फायदा। अब बात करते हैं इसका नुकसान क्या क्या होता है। दोस्तों, जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होता है, इसका इंसुलेटर का साइज भी ज्यादा करना होता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होता जाएगा, इस इंसुलेटर का नंबर को भी बढ़ाना होगा, जो कि ये इंसुलेटर काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। दूसरा नुकसान, दोस्तों, ज्यादा वोल्टेज में आप यदि इस केबल का नीचे से जाओगे तो आपको करंट भी लग सकता है और आपका मौत भी हो सकता है। तो इसकी वजह से इस टावर का हाइट को काफी बड़ा किया जाता है, जिससे कि किसी का नुकसान भी ना हो पाए। तो दोस्तों, ये थी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज को हाई करने का कुछ फायदा और नुकसान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और बुरा लगा है तो डिसलाइक कर देना। लेकिन आप यदि AC और DC करंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपसे यही मिलूंगा।